जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि पी नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, पी नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर बहुत ज्यादा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को काटना या एक दूसरे का अपमान करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि एन नाम वालों की बात करें तो एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं। अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस नाम के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हठ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जिद के सामने में, अपने हठ के सामने में किसी और इंसान की बातों को, किसी और के विचारों को ज्यादा सम्मान, ज्यादा महत्व बिल्कुल भी नहीं देते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में आपसी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। वैसे इसके अलावा यदि पी नाम वालों की बात करें तो पी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं एवं इस कारण से इन दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत ज्यादा मधुर होता है। मित्रों, पी नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में बेसिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप अवश्य कमेंट कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।